फ्रूट्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओवरीज इन्वॉल्व या फिर किस प्रकार की ओवरी से बन रहा है फ्रूट उसके बेसिस पर तीन टाइप के फ्रूट्स है पहला है सिंपल फ्रूट दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट जिसे इटेरियो भी कहते हैं और तीसरा है कॉम्पोजिट फ्रूट जिसे मल्टीपल फ्रूट भी कहते हैं तो सिंपल फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जो कि एक अकेले फूल से ही बनते हो और उस अकेले फूल के अंदर आपको मोनोकार्पेलरी कंडीशन दिखे या फिर पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस यानी एक अकेले फूल में जो एक ही ओवरी रहेगी वो एक तो मोनोकार्पेलरी होनी चाहिए या फिर पॉलीकार्पेलरी अगर है तो वो सिनकार्पस यानी एक दूसरे से फ्यूज होनी चाहिए सारी की सारी ओवरी तो उनसे जो फ्रूट बनेगा दैट इज सिंपल फ्रूट अब एग्रीगेट फ्रूट मतलब इटेरियो फ्रूट यह भी एक ही फूल से बनता है लेकिन उस फूल के अंदर बहुत सारी कारपेल्स होती है और सभी की सभी फ्री होती है यानी वो हो गई पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन तो ऐसे फ्रूट से अगर बन ऐसे फ्लावर से अगर बनता है फ्रूट तो वो है एग्रीगेट फ्रूट अब बहुत सारी कार्पेल है तो सभी फर्टिलाइजेशन के बाद में उनकी ओवरी फ्रूट में तब्दील होगी तो हर एक सिंगल कार्पेल से जो फ्रूट बनता है हम उसे फ्रूट नहीं कहकर फ्रूट लेट कहते हैं और ये सारी की सारी फ्रूटलेट मिलाकर यानी एग्रीगेट कर कर बनाती है एक फ्रूट तो यह है एग्रीगेट फ्रूट अब कॉम्पोजिट फ्रूट के अंदर पूरा का पूरा जो इन्फ्लॉरसेंस है मतलब फूलों का जो गुच्छा है वो पूरा का पूरा तब्दील हो जाता है एक अकेले फ्रूट के अंदर तो इसीलिए इसे मल्टीपल फ्रूट भी कहते हैं अब जो सिंपल फ्रूट है यानी कि ऐसा फ्रूट जो कि एक अकेले फ्लावर से बना है उसके अंदर एक तो मोनोकार्पलरी कंडीशन होगी या फिर पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस तो उस सिंपल फ्रूट को हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फ्रूट वॉल यानी पेरीकार्प कैसी है उसकी अगर पेरिकार्प ड्राई है तो उसे ड्राई फ्रूट कहते हैं और अगर हार्वेस्टिंग तक पेरिकार्प फ्लैशी है या फिर सकुलेंट है तो वो हो गया सिंपल फ्लैशी फ्रूट तो अब अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिंपल ड्राई फ्रूट